हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो लिब्रा कैल्क का है और यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ डेटा मैंने बना रखा है। ये देखिए यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट है। अब ये नेम ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने फिलहाल 4 या 5 स्टूडेंट के नाम ले रखे हैं। यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट का मार्क्स है और इसका टोटल यहाँ पे किया गया है। तो आपको टोटल सब फार्मूले की मदद से कर लेना है। इसे मैं एडिट करके भी दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से, ये सिलेक्शन में लेकर के मैंने किया है। अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, रैंक का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा R A N K रैंक, और रैंक लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ये जो है ना टोटल इसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा दीजिएगा और फिर यहाँ से आप इसको ड्रैग करते हुए चले जाइएगा और बंद कीजिएगा, फिर एंटर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे रैंक आ गया है 1। अब सबसे ज्यादा मार्क्स है तो रैंक 1 आएगा, फिर 2 3 ऐसे आता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से रैंक निकल के आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनका भी रैंक 1 दिखा रहा है, इनका भी रैंक 1 दिखा रहा है, इनका 2 दिखा रहा है, इनका 1 दिखा रहा है, इनका 1 दिखा रहा है, इनका 1 दिखा रहा है। तो अब इस कंडीशन में इसे सही कैसे करेंगे, फॉर्मूले को हमें करना होगा एडिट। F2 प्रेस करके फॉर्मूले को एडिट कर लेते हैं और यहाँ से इसे लेते हैं। ये जो है ना ये हिस्सा पकड़ लीजिए आप और यहाँ पर F4 दबा के इसे कर दीजिए फिक्स। जैसे ही F4 दबाएंगे तो डॉलर्स लग जाएंगे और ये फिक्स हो जाएगा। अब जब फिक्स हो जाएगा तो हमें क्या करना है, इसको नीचे ड्रैग करवाना है और फिर आप कमाल देखेंगे कि इन सबका रैंक अलग अलग आ जाएगा, बहुत ही ईजिली ये हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।